9 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ नेहा। आपको बता दें कि मैनपुरी सीट को लेकर उपचुनाव में यहाँ बहुत ही ज्यादा चर्चाएं सुनने को मिल रही है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी ने उम्मीदवार के रूप में मैनपुरी सीट से अपर्णा यादव को प्रत्याशी बना दिया है। अब यहाँ समाजवादी पार्टी को देखना है कि समाजवादी पार्टी यहाँ किसको उतारने वाली है, लेकिन आपको यहाँ बता दे कि अपर्णा यादव पर आखिरकार बीजेपी ने दांव खेल ही दिया। यहाँ एक परिवार की दो बहुएं आपस में लड़ती नजर आ सकती हैं, क्योंकि अगर मैनपुरी से बीजेपी ने अपर्णा यादव पर दांव खेला है तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी डिंपल यादव पर दांव खेलेगी, लेकिन डिंपल यादव के मुकाबले अपर्णा यादव राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी रखती हैं। ये यूं कह लीजिए कि राजनीति से ज्यादा जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि अपर्णा यादव के मैनपुरी में उतरने से क्या मैनपुरी सीट को बीजेपी ले जाएगी या फिर यहाँ हमेशा की तरह सपा का दबदबा रहने वाला है, ये देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। लेकिन बीजेपी की ये चाल कितना रंग लाएगी कितना नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक ही परिवार की बहू होने के बावजूद यहाँ पर बीजेपी ने जानबूझकर परिवार में सेंधमारी करने की कोशिश की है, परिवार को लड़ाने की कोशिश की है। यादव परिवार ये वही परिवार है जिसको नेता जी एक ही मुट्ठी में बांधकर हमेशा रखते थे, लेकिन अब इस परिवार पर चील कौओं की तरह सबकी नजरें टिकी हुई है। आखिरकार इस परिवार को कौन तोड़ पाएगा ये देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। लेकिन यहाँ पर मैनपुरी सीट को लेकर किसके हाथ में सत्ता आएगी ये भी जानना जरूरी है। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलूंगी किसी दूसरे मुद्दे पर, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा SPN9 News के साथ। धन्यवाद।